दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दबाएं घंटी के इस आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और यह करना बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेहरे की खूबसूरती के लिए, स्किन को खूबसूरत और गोरा बनाने के लिए एक बहुत ही नायाब और अच्छा उपाय। दोस्तों इस उपाय के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की रंगत, अपने हाथ पैरों की रंगत बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं उसके ऊपर। यह बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा पैक है। आज हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम आपको एक ऐसा गुणकारी और चमत्कारी उपटन बनाना सिखाएंगे जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन का रंग गोरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उपटन बनाने की विधि, जो चिकनी और तेलीय त्वचा के लिए भी बहुत गुणकारी है। इसके लिए आपको चाहिए बेसन। ये आप देख रहे हैं कटोरी में, ये बेसन है, और ये है हल्दी पाउडर, और यह है कच्चा दूध, और यह है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। दोस्तों इसके लिए आपको जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उससे ज़्यादा ना कम। 60 ग्राम बेसन लें, 60 ग्राम बेसन जो घर का पिसा हुआ तो ज़्यादा अच्छा है, और 3 ग्राम हल्दी, हल्दी भी घर में पीस लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। घर की चीज़ें अच्छी होती हैं, बाहर की मार्केट की चीज़ें तो ये हो सकता है कि उसमें केमिकल भी हो सकते हैं जो फेस को, चेहरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा ले लें कच्चा दूध, बहुत ज़्यादा कच्चा दूध ना मिलाएं, मतलब आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है तो उसके लिए उतना दूध उसमें डालें। और इसमें कुछ बूंदें शुद्ध सरसों का तेल हो, या तो तिल का तेल हो, या फिर जैतून का तेल, जैतून का तेल सबसे अच्छा है। इसकी कुछ बूंदें, 3-4 बूंदें उसमें, या 8-10 बूंदें इसमें डाल लें। दोस्तों इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लें और यह पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि आप उसको आराम से अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर आराम से लगा सकें। इस तरह का पेस्ट बना लें। अब आपका उपटन तैयार है। इसको चेहरे, गर्दन, बाहों पर, हाथ पैरों पर, कोहनियाँ, घुटने आदि, इन सभी अंगों पर लेप कर लें। लेप करने के 10 मिनट बाद जब यह सूखने लगे तो हल्के हाथ से इसको मसल कर छोड़ा लें। उपटन जो उतरेगा शरीर के ऊपर से, वो मैल के साथ बत्तियों के रूप में छूट जाएगा। अब थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी के साथ इन सभी अंगों को, हाथ पैरों को, चेहरे को धो लें या नहा लें, और साफ़ मुलायम तौलिए से पोंछ लें और सुखा लें। इससे त्वचा साफ, रेशम सी चिकनी, मक्खन सी मुलायम और चमकदार हो जाएगी, और चेहरे की रंगत निखर उठेगी। बेसन और हल्दी के इस उपटन को चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ, दाग, झुर्रियाँ और कालापन दूर होता है। चेहरे के अनावश्यक बाल झड़ जाते हैं। उपटन नहाने से आधा घंटा पहले करना अच्छा रहता है, या फिर रात में सोने से पहले। 2-3 दिन लगातार करने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन, या हफ्ते में 2 दिन, या महीने में कम से कम 4 बार तो ज़रूर करें। शुरू में ज़्यादा कर लें, उसके बाद हफ्ते में 4 दिन करें सिर्फ, और उससे आपकी त्वचा हमेशा खूबसूरत और ग्लो के साथ बनी रहेगी, उसकी सारी खूबसूरती आपकी बनी रहेगी। दोस्तों सर्दियों में सुविधा के अनुसार सप्ताह में एक बार ज़रूर करें, अन्यथा फिर चेहरा वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। दोस्तों 6-7 बार के इस्तेमाल से, 6-7 बार के इस्तेमाल से ही आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है, और लगातार साबुन की जगह आप इस उपटन को लगाएं। नहाने से त्वचा में निखार आता है और रंग गोरा होता है। दोस्तों साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें, या बहुत अच्छी साबुन हो जिसमें कास्टिक्स वगैरह और ये ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ना हो, वो वाला साबुन इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ दिन पहले, हफ्ते साबुन का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उपटन करते समय गर्दन को ना भूलें, गर्दन बहुत काली होती है बहुत लोगों की, तो गर्दन पर ज़रूर लगाएं उपटन। भौहें, पलखे और होठों पर ना लगाएं। चिकनी और तेलीय त्वचा के लिए बेसन से बढ़कर कोई दूसरा असली अच्छा उत्तम उपाय कोई दूसरा नहीं है। उपटन उतारते समय इस बात का ख्याल रखें कि
हथेलियों को ऊपर से नीचे की तरफ ना चलाएं, इससे नहीं तो स्किन ढीली हो जाती है। झुर्रियों से बचने के लिए मालिश हमेशा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा यह नुस्खा आप इस्तेमाल करें और कमेंट के जरिए फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।